अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिल्ली के मुतल्लिक जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली को कब जो है इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए, कब तक ये तैयार हो जाती है। तो इसके मुतल्लिक ये है कि जब दिल्ली जो है वो थोड़ी बहुत नीचे से येलो होनी शुरू हो जाए और ऊपर से फूल बंद कर दे और पत्ते थोड़े बहुत झड़ने लग जाएँ, तो तब जो है वो दिल्ली को कटवा लेना चाहिए। जैसा कि ये पीछे ये बिल्कुल तैयार हो गई है, येलो हुई खड़ी है, इसको जो है वो कटवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर ज़्यादा देर होगी तो जो ही हम इसको रखेंगे इसके जो हैं ये कैप्सूल जो हैं, जैसा कि ये मैंने कटवाई भी है तिली, ये एक एकड़ दो एकड़ कटे पड़े हैं, बाकी ये खड़े हैं, तो ये अब जैसे येलो हुए पड़े हैं तो ये इसको कटवा लेना चाहिए। तो नहीं तो ये होगा कि जो ही इसको एक दो जो है वो दिन गुजरेंगे, ये यहाँ से फिर अपना मुंह बहुत जल्दी खोल देती है और फिर जो है ये अगर लेट थोड़ी सी कटाई हो तो फिर ये जो है वो गिरने लग जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, दिखाता हूँ। जैसा कि ये है, ये अब हालांकि देखने में पूरी तैयार नहीं है ऊपर से देखे अगर तो, लेकिन ये जो नीचे वाले कैप्सूल हैं ये देखें, ये इन्होंने मुँह यहाँ से खोल लिया है, ये यहाँ से ये नीचे से मुँह खोल रहे हैं। अगर लेट होगी तो इन जो नीचे वाले हैं ये मुंह खोल लेंगे, तो फिर जब कटाई होगी तो ये दूसरी जो है तिली उसके साथ उससे पहले ही ये इनका जो है ये बीज और ये झड़ जाएगा, तो ये इससे नुकसान होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इतनी सी येलो जो है, जब ये येलोश कलर थोड़ा सा नुमायाँ हो जाए सारे खेत में, तो कोशिश करें कि इसको कटवा लें और फिर मौसम के हिसाब से, धूप के हिसाब से दो दिन चार दिन या पाँच दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप लगवाएं और उसके बाद जो है वो इसको झड़वा लें। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि तिली को जिन लोगों ने पहले थी जो अर्ली काश्त थी वो तकरीबन तैयार हो गई हैं, तो उनको आप ख्याल रखें, यूं ही वो येलोश हुए उन्हें कटवा लें। अल्लाह हाफिज़।